ऑल राइट गाइज़ बेसिकली हम सबको पता है यार हम लोग यहाँ पे जो आज आए हुए हैं वो आ चुके हैं एम टू के लिए एंड दैट टू यू ऑल नो दैट ये जो चलेगा अभी ये कौन से पैटर्न का है तो सबसे पहले ना आपके दिमाग के जो भी दिमाग में जो भी चीज़ें हैं ना वो पहले आपसे क्लियर कराता कर हूँ कि व्हाट इफ आगे जाके मैं वापस फेल हो जाऊँ तो उसके बाद क्या मेरा पैटर्न 2019 रहेगा या फिर मुझे वापस टू थाउजेंड पैटर्न पे खेलना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज़ आप अगर यहाँ पर हो मेरे साथ हो तो फेल नहीं होने वाले हो तो लेट्स मेक श्योर कि हमें फेल नहीं होना है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका 2019 ही पैटर्न है तो वो थ्रू टू थाउजेंड रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई इक्वलेंस का क्राइटेरिया आगे जाके आए तो

इनडायरेक्टली वहाँ पे उन्होंने सिलेबस में पांच यूनिट करे हुए they, uh, is, कोई दो यूनिट को उन्होंने मर्ज करके एक यूनिट बनाया हुआ है और वो दिखा रहे कि हमारे कितने यूनिट है तो इतना ही चेंज है बाकी कोई चेंज नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमारा जो बेसिकली काम चलने वाला है टू पैटर्न की वो भी हमें बहुत तरीके से किसके ऊपर खेलना है भाई एनसेएम के ऊपर खेलना है अब आपने से बहुत सारे लोग जिनको जब भी मैं रिगार्डिंग एम सवाल पूछता हूँ कि भाई एनसेम के लिए जब आप एम टू कर रहे हो तो ऐसा क्या है जो आपको परेशान करता है तो आपके आंसर एज यूजल रहेंगे अभी आएंगे अभी बोलो यूनिट परेशान कर रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला उसके मार्क्स ही नहीं निकलते हाँ नेक्स्ट अब होता ही है देखो ना कोई एक लंगड़ा हो टीम में तो वो तो गया ही गया राइट और इस वजह से क्या होता है सेवेंटी मार्क्स का आपका पेपर है तो आपके पंद्रह मार्क्स थियरी तो उड़ गए ज्यादा से ज्यादा आप उसका एमसीक्यू कर सकते हो सिंपल रहता है तो आप पकड़ के चलो पंद्रह उड़ गए तो अभी आप, आप आउट ऑफ फिफ्टी फाइव में खेल रहे हो है ना अब और बताओ चलो आते ना आते ना क्यों फेल हुए समझ में ही आएगा कमॉन डिस्कस करोगे तो समझ आएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा कमॉन काय सांगू शकता लँग्वेज बॅरियर नाही आहे इथे कन्नड बिन्नड मला कळत नाही लेकिन हां मराठी हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा कमन मारवाडी पण येतो मला कमन असं काय अजून अवघड काय जातं अजून हां बोलो ऑनेस्टली बोलो क्या थर्ड युनिट थोडा टफ जात रिडॅक्शन वाला आ, राइट, तो थर्ड युनिट का के दो से जो शायद आपको परेशान करते होंगे एक नाम आहे डी एस लॉन्ग फॉर्म सांगतो डिफन्सिएशन शपथ खतरनाक प्लेयर का लॉन्ग फॉर्म बताता साइन वाला टॉपिक तो so, तुम्हारा उगड़ जाता हूँ एंड एक और टॉपिक है जो कि आपको थोड़ा शायद लगता है कि टफ है दैट इज नथिंग बट कौन सा अब देखो बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट कि तुम्हारा क्या उघर जाता है, है करना सो so, अगर आपको पता है कि भाई मेरे को यूनिट नंबर सिक्स जो है वो थोड़ा टफ जाता है और यूनिट नंबर थ्री का ये जो भी डी ओ एसडक्शन वगैरह मेरे को टफ जाता है अब मुझे बताओ अच्छी चीजें क्या अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं यूनिट नंबर फाइव फाइव ना फाइव बहुत प्यारा है ना यार तीन लोग कौन है सिलेंडर है एंड स्फियर है उसमें भी कौन सिलेंडर का पैटर्न फिक्स रहता है रहा स्फीयर वो भी आजकल घुमा घुमा के वही आ रहा है है ना तो टचेस तो वाला सम आता है मोस्टली तो कितना भी करो ये पंद्रह और इसके एमसीक्यू के दो एमसीक्यू भी इसका कौन सा आता है पता है सेंटर रेडियस वाला किसी जनरल फॉर्म दिया जाता है स्पीय को और सेंट्रेडियस का अब आप, आपको आंसर निकालने के लिए पूछा जाता है सो लुकिंग इन टू दिस ये अपने को 17 तो दे देगा राइट right? अब टारगेट कितना मैं बताता दो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग बैठे हुए हैं सबसे पहले तो सर इनसेम का विषय तुम्हें कड़ू ना कड़ा हम चूलरेडी तिकड़ेपन लाव ले ली है और बहुत सारे लोगों का फेलियर इस वजह से भी आया कि इनसे में मार्क्स ही नहीं दिए है ना अब आपके कुछ इंटरनल ईगो रहेंगे टीचर्स लोगों के या फिर एक एटीट्यूड रहता है जिसकी वजह से या फिर आपने किया भी नहीं होगा कुछ भी हो सकता है आता माला संगा तिकड़े तिकड़े अपने जर सपोज लेस देन फाइव आते हैं किती तो में, लेस देन देस है तो हम डायरेक्टली तो मेरे को बताओ अपने को अभी अपने पास कितने मार्क्स है वो पंद्रह भी छोड़ दो कौन से यूनिट सिक्स के तो यहाँ पे आपके पास कितने अभी फिफ्टी फाइव मार्क्स है तो आपको भी पता है मेरे को भी पता है हमें रिस्क नहीं लेना है फिफ्टी फाइव में से कम से कम फोर्टी फाइव तो अपने को निकालने ही निकालने पड़ेंगे करेक्ट वाले और उसके बाद की दस मार्क फेका फेंकी रहेगी तो अपने पास यूनिट नंबर सिक्स को बाजू में रख के तै तू नशीबानी जबड़ी यूनिट सिक्स सीखो तो झटका आलास तो ते तिकड़े अपन करू सकते हैं सो so, हमें अभी फिलहाल पता है कि भाई मैं अगर ये 45 पे पर जाऊँगा तो आई डों थिंक सो कि सॉरी इनसेम का कोई डिस्कशन का कोई सवाल ही है राइट और एक बात आपने टाइम टेबल देखा जो 2019 थाउजेंड का पैटर्न का इनसेम इनसेम का आया हुआ है सो यू मस्ट है एम टू नहीं है देखा आपने टाइम टेबल अब उसमें अगर M2 नहीं है तो M2 आपको कब रहेगा नेक्स्ट सेमेस्टर रहेगा अब आपको बताऊँगा आपकी दिक्कत क्या होने वाली है अगर आप ये अभी सोचोगे कि जाऊदे मरुदे में आधी इनसेम का चांगले मार्क्स आन तो आता तुम्हारा पेपर अटेम्पन कर गरज नहीं है आप समझ समझो मेरी बात तो आप क्या करोगे बाबा हुआ। दो यूनिट नीट करतो। दो के इंसेम के अच्छे और फिर के के मैं आपको बता रहा हूँ ना हाँ हाँ, हाँ। जर तुम्हें सेमिस्टर का विचार करता है आपको इस सेमेस्टर में इतनी धुरंधर पढ़े ये बाद में अगर एक्सट्रीम केस मध्य अपन इकड़े उड़लोच परत की इसको अभी आपका प्लान मत बनाओ लेट्स मेक इट लेट्स कीप इट एज प्लान बी सी जो भी रखना है वो रखो इसको अभी फिलहाल अपना प्लान ए क्या रहने वाला है बाबा नो माला तुम्हारा महिला है दुनिया कुछ का जाऊ दे अपने फोर्टी फाइव प्लस मार्क्स आना चाहते हैं इनसेम ऐस नहीं सला जीरो अल तरी मग इनसेमला तो अभी हमें ये पता है अब सर जी ऐसा अगर है तो इसको प्लान कैसे करना चाहिए तो मैं बताता हूँ प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर एक वाली चीज सेशन स्किप मत करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कारण तुम्हारा सामत एक सेशन मिस हुआ ना वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्योंकि बच्चे वे सारे लोग आसा कि, अरे लगे है सो डोंट डू इट पहली इंपॉर्टेंट चीज और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बोलू कि ये होमवर्क इतना आपको करके आना है तो मैं हाथ जोड़ता है डे वन है मैं ऑनेस्टली संगा आज नहीं उद्या करो टाइम आप ले लो लेकिन करो इतनी दो चीजें बस आपको फॉलो करनी है मैं आपके साथ हूँ आपको इस पूरे चंगुल से एम के निकालने का काम जो है वो मेरे पास रहेगा जो कि मैं बहुत अच्छे से करने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से करूंगा right? अब से बड़ा एक बहुत बड़ा इससे बड़ी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आपके दिमाग में बहुत तरीके से है कि भाई फेल क्यों हुए फेल क्यों में से वो मैं आपको बताता हूं द मेजर रीजन जिसकी वजह से आप फेल हुए हो उसे कहते हैं बेसिक्स में क्या क्या आता है बताओगे मेरे को फटाफट कुठे कुठे वाट लगती अरे वाट लगे तरी स माला असा का करता है बोला बोला बोलना तो उपयोग है देखो आप बात नहीं करोगे तो मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा बहुत ज्यादा बात करूंगा तो शायद आपको बोर होने के चांसेस है तो लेट्स कीप इट टू वे तो आप बात करना शुरू करो तो मेरे को समझ आए बेसिक्स में अपन कहाँ कहाँ पे गलतियां करते हैं हुए होता तो अरे खूब लोग हैं मैं तुम्हारा सामत है तुम्हार बेसिक्स में मिस्टेक्स में तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के पर इशूज है बट वो कैल्सिकवर अप कर लेता है अब दिक्कत है कहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेश्स आपको नहीं आते जैसे एक्सप्ल फाइव है और वाई प्लस थ्री है ये आपको आनी चाहिए x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वेर वाली चीजें आनी चाहिए आनी चाहिए ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेयर वाली जो चीजें ये आनी चाहिए इसे कहते हैं अल्जेब्रिक कि आपको वर्कआउट करने आनी चाहिए इसी के साथ साथ कौन था भाई आपको तो नाम भी पता है एक है आपका डेरिवेटिव दूसरा है आपका इंटीग्रेशन और आप कितना भी भागो लगने ही वाला है भाई ये भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री आपको लगने ही वाली है अब क्या सर मैंने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री करनी चाहिए देखो भाई आप किस लिए आए हो ये समझ के चलो मैं पहले से कहता हूं कि नन ऑफ यू वॉन्ट्स टू डू इन भक्त इस हालत पे अपन है तो हमें किसी को पीएचडी करनी है क्या यहाँ पे नहीं तो आपको जितना मैं बोलूं उतना करना है किसी एक को तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही पड़ेगा एंड मेरे से बेटर फिलहाल ऑप्शन नहीं है आएंगे आगे और भी अभी फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो बेटर है कि आप मेरी बात सुनो, आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है आप फिर क्या दिमाग में लेके चल रहे हो आपसे ऑनलाइन देखा होगा बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा बड़ी बड़ी बातें करते हुए वगैरह वगैरह फिर ये क्या सिखाएगा वाली चीज तो मैं आपको बताता हूं मैं ये कंसिडर करके नहीं चल रहा हूं कि आप इसमें प्रो हो क्योंकि मुझे पता है आप नहीं हो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इथे अपनी वाट लगते हैं अच्छा जी माती खाली है कि खाली है या बेसिक्स खाली है इसके ऊपर हम लोग तरीके से काम करके आगे बढ़ेंगे आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है राइट जहां पे आपको लगता है डाउट है पूछना चाहिए आप सर को बिंदास पूछो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से आपके सारे डाउट जो है वो हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे मीन जो लाइव कर रहे हैं अभी आई थिंक सेजल अंकुश वैष्णवी कनिका यू हैव दैट ऑडियो वाला भी ऑप्शन आप हैंड रेज करके मेरे साथ डायरेक्टली ऑडियो वाया ऑडियो भी डाउट पूछ सकते हो लाइव

अरे एक्चुअली अच्छा है पता है क्या इसको इतना बुरा बना के रखा है ना मुझे जैसे अमरीश पुरी इमेजिन ही नहीं होता है ना अदर देन विलन बहुत कम मूवीज में होता है डी छोड़ के तो हर जगह पे अमरीश पुरी मंडल शक्ति कपूर मंडल की विलनर असले पा वैसा हो चुका है बेचारा एक तो नाम लगा है उसको साथ में है ना तो इसकी ऑलरेडी वाट लग चुकी है तो देखो भाई मैं मैं किस तरीके से लेना चाहता हूँ मैं किस तरीके से सिखाना चाहता हूँ आई विल बी गोइंग विध यूनिट नंबर थ्री फर्स्ट देन आई विल बी गोइंग फॉर यूनिट नंबर नहीं का फोर फोरस्तू मही है माला पहले यूनिट नंबर थ्री लूंगा फाइव लूंगा एंड देन विल मूव टू यूनिट नंबर फोर और उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर सिक्स के लिए ये मेरी प्रॉपर सिक्वेंस रहेगी अब इस सिक्वेंस का फायदा मैं बताता हूँ है ना तो इजी टफ इजी टफ वाले सिचुएशंस मार लेतेमी स गया थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि रिडक्शन आते हुए आपको थोड़ा टफ लगने लगेगा ये मजा आएगा

कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि सर अभी मेरा तो सेकेंड ईयर चल रहा है ऐसे वाले भी लोग हैं इसमें कि भाई कंटिन्यूएशन में तो मुझे इतना समय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या तो मैं आपको बताता हूं ये जो आपके बैकलॉग वाले सब्जेक्ट है जनसाइयर ये, ये ड्रॉप अपाला है तेना तो खूब वे अभ्यास करा लगा लेकिन जिनका सेकंड ईयर चल रहा है थर्ड ईयर तो आप जा नहीं सकते एम टू बैक है तो जिनका अभी सेकंड ईयर चल रहा है वो लोग क्या कर सकते हैं भाई वीकेंड स्ट्रेटेजी मारो मैं देता हूँ ना आपको सभी लोगों को सारे लोगों को सारे तरीके की स्ट्रैटेजी दे देता हूँ किसी तरीके से इसको लिंक से बाहर मत जाने दो अभी की लिंक टूट ली सोर पंद्रह बीस दिन हो गए सोर मैंने देखा ही नहीं है सर एम को ये वाले लिंक में अपन को बिल्कुल नहीं रहने का अब हैविंग सेट दिस तो चलो ना सर अपन कुछ शुरू करते अब मैं मेरी स्टाइल बताता हूँ सबसे पहले मेरी स्टाइल देखो मैं कुछ वर्ड्स यूज करूंगा तो आप वो वर्ड्स को बहुत अच्छे से उसको पहले से आप दिमाग में रखो ये देखो मैंने क्या लिखा है क्या लिखा है बड़ा भाई जब भी मैं बड़ा भाई बोलूंगा आता नहीं लक्ष्य अठारह ये कोड वर्ड समझ लो आप जब भी बड़ा भाई बोलूंगा तो आपको जो भी नंबर है उसमें क्या करने का एवड तक कुंडल अपन करते जो भी बड़ा भाई जब भी बड़ा भाई बोलूंगा तब क्या करोगे जो नंबर है उसका प्लस वन अगर पांच और बड़ा भाई बोलो ऐसा किया तो कितना होगा छे अगर दस है तो बड़ा भाई बोलो ग्यारह थ्री बाई है तो बड़ा भाई बोलो अंधेरा कायम रहे पिन ड्रॉप साइलेंस अरे मठ्याण थ्री बाय टू का प्लस वन पड़े बाई टू का प्लस वन करोगे तो कैल्सी पे भी कर सकते हो नहीं तो देखो यार इतना मैथ आता है अपन को टू इंटू वन टू थ्री प्लस टू फाइव तो ये कितना आता है वो एक लिंक रहती है लिंक याद रखना मैं बताता है कैसे अरे कमाल वापस वन बाई टू बोलो मेरे साथ वन बाय टू थ्री बाई टू फाइव बाई टू सेवन बाई टू नाइन बाई टू

माइनस वन करना है सो so, ये दो तीन चीज़ें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए और ये चीजें अगर समझ में आए तो भाई अपने को टॉपिक शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट वगैरह वगैरह कुछ नहीं है धीरे धीरे हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे अब मैं आपको पूछता हूँ मेरे को बस आंसर दो आप हाँ देखो आपने कभी ये ये देखा है सर एक्स लिमिट मार्क्स सर दादा मैथमेटिक्स सीख रहे अपन यहाँ पे कोई मैं आपको क्या बोल ग्रामर या फिर कुछ ऐसे प्रपोजिशन वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ ये जो है ना इसे कहते हैं फैक्टोरियल क्या कहते हैं आपके कैलसी पे होता है पता है ना आपको फैक्टोरियल तो अगर मैं आपको पूछू वट वट इज द आंसर ऑफ फोर फैक्टोरियल कैलसी पे निकाल के बताओगे अनला असेल हाँ ना नहीं डायरेक्ट महती है आंसर मैं तू संग प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन में आंसिल का इशू नहीं फोर फैक्टोरियल कितना आता है अच्छा बत, ये पता है कैसे करते हैं फोर फैक्टोरियल्स का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऐसे होता है ना फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू कितना होता है वन तो वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इमीजिएटली आंसर मिल जाएगा कम्स आउट टू बी ट्वेंटी फोर हा अबाउट फाइव फैक्टोरियल कैल्सी पे करो 120 वेरी गुड वैष्णवी 5 फैक्टोरियल इज 120 तो 4 फैक्टोरियल अच्छा 3 फैक्टोरियल 6 2 फैक्टोरियल इज 2 1 फैक्टोरियल इज 1 आणि कुणाला सांगू नका 0 फैक्टोरियल बी वणी होता है 0 फैक्टोरियल इज आल्सो हाँ तो 0 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 हे 0 1 2 झाले तुमचे ते 1 1 2 चे देन थ्री फैक्टोरियल सिक्स फोर फैक्टोरियल मतलब फटाफट भी आंसर तो अपन इतने फटाफट तो आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं अब आपको क्या करने में बताता हूँ अभी सिलेबस ही शुरू कर रहा हूं अब देखो आपको बहुत मजा आएगा जब आप सीखोगे तो देखो आपको कितना अचानक से नॉलेज आना शुरू हो जाएगा किसी को बोलो मत ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये आपको रेगुलर नेट पे भी डालोगे तो नेट पे गूगल पे डालोगे तो ऐसे नहीं मिलता है ये जो सिंबल है इसे कहा जाता है गामा

छोटा भाई अरे क्या सिखाया आपको मैंने छोटा भाई भाई मतलब क्या करो अरे यार से आया तू तू मैं पढ़ नहीं दोस्तों तो छोटा भाई होगा तो वो कौन होगा फोर तो आपको बस इसको क्या करने का है फोर फैक्टोरियल ठोकने का है. अब मुझे बताओ गामा फंक्शन का डायरेक्ट आंसर आपके पास है गामा फाइव इज इक्वल टू तो कितना हो गया

गामा फंक्शन ये है सा प्लेयर देखो फटाफट फटा आंसर आ रहे कि नहीं अब आपको डर क्या लगा है? सर ये निकाले किसने है सर ये गामा फंक्शन और इसकी हमें जरूरत क्या है तो मैं पहले दो लोगों पे आता हूं एक्चुअली तीन गामा सामने देखो पांच मिनट का काम है समझना गामा बीटा एंडक्शन ये तीन बंदों को मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये तीन बंदे है कौन मैं बताता हूं आइडियली आप सबने मुझे बताया कि आपको जो डर लगता है वो किसका डर लगता है किसका डर लगता है भाई साहब इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन में भी साध्या साध्या इंटीग्रेशन करने में इतना दर्द होता है और ये भी पावर देखो अजीब सी पावर है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट्स में अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको आंसर मिलेंगे क्या नहीं तो कैन आई से देख रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड वन ये कॉम्प्लिकेटेड वाला इंटीग्रेशन आसान करने के लिए तीन फंक्शंस जो है वो डिराइव किए गए हैं सो ऑल थ्री ऑफ देम आर देयर टू हेल्प यू तुम्हें हिद्दत काटता आपको समझ में आ रहा है सो so, बीटा देखो मना ना, ना है चल को नहीं शिका चाहिए स्वतंत्र करो दाखो बर यू ओरिजिनल इंटीग्रेशन है जमत नहीं आप समझ रहे हो ना टू मेकियर टू मेक योर इंटीग्रेशन से मेहनत कम करा रहा है कितने लोग हैं गामा और बेटा एक नंबर तरीके से आपको सिखाऊंगा सुपर खुश हो जाओगे और एक बात किसी को बताओगे मत ये सब कुछ जो है ना सबसे ज्यादा कौन से लगता है पता है अब आप बोलोगे हम ही सिक्स करना मन लाइ कर नहीं है मैंने पकड़ा है कि नहीं आएगा आपको करने मैं सिखाऊंगा जरूर पांच मार्क दस मार्क दस मार्ग मार्क्का वहां पे कितना समय मिलता है, उसके गेम है, ये सबसे ज्यादा इसकी वैल्यूएशन दो यूनिट के लिए इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अब चलो ना सर हमें मस्त से पहले तो फॉर्मुला सिखाओ ना अब मेरे, मेरे को बताओ आप लोग बिना झगड़ा किए कि क्या मैंने सही सिखाया था आप सबसे पहले सेक्शंस देखो पहले तीन देखो सही सिखाया था क्या तुम्हारा आता शून्य अक्ल हिशो बनेगा थ्री

गामा हाफ इज इक्वल टू कितना लिखा है मैंने रूट पाई जब भी कभी गामा हाफ आपको दिखे याद रखना वो आपका कौन होगा रूट पाई रहेगा इतनी थीम तो समझ में आ गई अब सर सर फॉर्मूला सर फॉर्मूला अब आते एक्चुअल लाइनअप पे कि भाई साहब इसका फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है आता मुझे बताओ जब मैं भारतीय विद्यापीठ बोलता हूं तो आपको पता है कि वो जो भारतीय विद्यापीठ है वो पतंगराव कदम उन्होंने जो है वो शुरू किया है और उनका पूरा लेगेसी है उसके पीछे यस और नो सही है अब जब मैं ये चीज बोल रहा हूं जैसे कि मैं अगर रिलायंस बोलूं तो कौन है भाई अंबानीज है है ना तो आपको पता है चीजों के बारे में कि अगर मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं तो मुझे पता है कि ये इनकी वजह से चल रही वाली चीज है सही है अब सिंपल चीज है देखो नाम कौन है नीट लक्ष्य ठहरे मैं खरस संग तुम्हारा यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखा रहा हूं देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कौन सा फंक्शन है तो इसको चलाने वाला एक प्लेयर है ओनर, ओनरशिप ले रहा है है? कौन द पावर, इसका मतलब ये है कि गामा का कोई भी समय हमें उसमें बाबा जैची कंपनी है तेला घेनर का नहीं तेला घ्यावस लगे ना सो तभी तो वो सैलरी देगा लोगों को तो यहां पे हमेशा आपको ई रेस टू माइनस आप एक्स नहीं लिखना आपको नहीं पसंद ना तो आप ऐसा सीखो मेरे से क्या लिखा है ई रेस टू माइनस कोई भी हो सकता है आपको x पसंद है ठीक मेरे को t पसंद है मैं t लूंगा तो e रे टू t होगा तो यस कंपनी का ओनर साथ है समझ आ रहा है e रे टू माइनस -x ओके okay, कंपनी का ओनर साथ है अंडरस्टूड दिस अब सर e रे टू कितना लिखा है कितना लिखा है माइनस स्क्वायर मुझे बताओ एक मिनट क्या ये ये कंपनी का ओनर है नहीं रिलेटिव हो सकता है अरे कहते का पर कंपनी है का नहीं कंपनी खरखर संघा कोनाची है e टू माइनस सो so, मुझे बताओ हमें इसको किसी तरीके से बाहर हटा के इसकी जगह पे सिर्फ सिंगल इतना तो दिमाग चलेगा अरे लावल आपको ये हटा के इसकी जगह पे किसको लिखना है टी आसा आपको इसको हटा के इसकी जगह पे क्या लिखना है अरे समझा वेरिएबल मतलब टी पकड़ लो ना आप तुमसे आयुषत का काम है टू एक्सक्र को घर भगाओ उसकी जगह पे किसको रिप्लेस करो टी होल्ड कर एक्स स्क्वायर को घर बगाओ उसकी जगह पे टी एक मिनट कसलो अवघड़े सर कितना टफ सिखाते हो सर देखो क्या ये ओनर है ओनर होता अगर रूट ना होता बरोबर है आता मैं संगा क्या ये आपको चाहिए माइनस चाहिए ई चाहिए लेकिन क्या ये चाहिए नहीं तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा टी अरे ये उड़ा तो आप लकड़ते का नहीं मैं संगा मतलब कोई भी सम होगा फंक्शन का कोई भी सम होगा मा फंक्शन का आपको उसमें ए टू द पावर माइनस टी लाना ही होगा आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट पहली सबसे बड़ी इंट समझी आप, आपको पता है आपने से बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या है पहली स्टेप आठ होते हैं समझी कभी कभी आपको मित्र तो पटकन पहली स्टेप तरी ली तो ठोकू सकते तो पहली स्टेप जो ना जहां से लीड मिलती है वो समझ में आना बहुत जरूरी है तो आपको ये पहली स्टेप मिली अब सर चलो ना हमें प्लीज सिखाओ ना सर फिर अब मैं आपको समझ नहीं सिखाऊंगा ये सही है कि गलत है बस आप मुझे ढूंढ के बताना मैं आपको लाइन से सारी चीजें दिखाता दो छोड़ दो सब कुछ ये देखो इधर देखो कोई आंसर को नहीं देखेगा क्या आपने सवाल को देखा झगड़ा हो जाएगा अपना कोई प्रॉब्लम नहीं क्या आपने सवाल को देखा सवाल को देखने के बाद इससे आपका कोई मतलब नहीं क्या इसमें ई वाली कैटेगरी है? है साथ में पावर में माइनस टर्म है है लेकिन क्या ये ओनर है नहीं तो आपका सबसे पहला फोकस क्या रहेगा रूट एक्स को हटाओ रूट एक्स को हटाओ बगा अरे समझ में आ रहा है क्या होल्ड कर अभी जो लाइव कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा बताओ? बताओ, है पटकन फास्ट। किसको क्या किसको क्या कमऑन Y को क्या करेगा करे, करोगे होल्ड करो बताओ जल्दी से e है है माइनस कौन है ये X3. X3. X3 की जगह पे क्या आपको आप देखो आपको समझ में आ जाएगा सर सही बोल रहे होल्ड हो आपके प्पा सा थीम क्लियर है आपके दिमाग में ई e है माइनस साइन है तो बची हुई कोई भी अतः मला नहीं बाबा तो ये तुम पर्सनल इश्यू नहीं चल रहा है इतना

कौन है ये x रेस टू फोर और कौन है ये फोर रेस टू एक्स तो मुझे बताओ इसमें से इधर इसको या फिर इसको किसी तरीके से ये बनाना पड़ेगा तुम तुम लोगों का सम तभी शुरू होगा और खत्म होगा जब ओनर आएगा कौन आएगा ओनर आएगा तो आपको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद e रेस टू माइनस टी को लाना ही लाना होगा आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट राइट तो पहले पांच छह सम्स में ये कैसे लाना है ये देखो ये देखो ओ नहीं ये ई नहीं है ना आप कुछ मत करो आप क्या बोलो आपको वो चाहिए ना तो आप बोलो दिस इज इक्वल टू इरेस्ट टू माइनस टी अपना क्या जा रहा है अपन बाद में देखेंगे किसका घर कैसे बनता है कैसे रिलेशनशिप लगती है आपको थीम समझी अब रे सर ये तो पेपर में आया हुआ है वही तो बोल रहा हूँ आपको बस दिमाग चलाना है कैसे इसका दिमाग सही देख मैं कहीं वेगा नहीं शिकवत है कुछ ऐसे नहीं तीस मार्क खा वाली कोई स्ट्रेटेजी नहीं है देखो कितना भी गंदा कोई भी इंसान दिखे मेरे को कौन चाहिए मेरे को ओनर से मतलब है ओनर मतलब टू माइनस एज सिंपल दैट कोई भी समझ लो अब देखो ये समय

कितने बचे तो आपको बस कितने सम्स करने के नौ सम्स करने के अंडरस्टूड दिस अब सर चलो ना एक एक, एक, एक सम को पकड़ पकड़ के खत्म करते उसके पहले मैं आता हूं डेफिनेशन के लिए मीन जितने सारे बच्चे लाइव कर रहे हैं मुझे बताओ आपको ये सब कुछ समझा है क्या मैं एक बार नाम ले लेता तो यार इन लोगों का सेजल वैष्णवी कनिका अंकुश भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ स्पीड वगैरह ओके क्लियर है लिंक में हो जल्दी से एक मैसेज कर दो ताकि मैं आगे बढ़ू वैष्णवी को समझाए, सीजल को तो समझ में आ ही रहा है मैसेज कराया उसने ऑलरेडी वैष्णवी ने भी किया हुआ है ऑलरेडी गुड तुम लोग को समझ में आ रहा है सब कुछ जो चल रहा है अभी अभी तक तो सही समझ में आ रहा है ओके अब आपको ना बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताता हूँ, अरे एक नंबर ट्रिक बताता दो क्या लिखा है मैंने अंकुश को भी समझ में आ रहा है गामा फाइन लिखा है कि नहीं सामने देखो एक तो पहली चीज बिना झगड़ा किए आप और मैं एक सेम पेज पे आ जाते हैं आपको भी भी आंसर आंसर पता पता है है मेरे को और आपको भी फाइनल आंसर आंसर पता पता है है मेरे को भी आंसर पता है, ये तो क्लियर है सॉरी इतने से मेरा काम होगा क्या इंटीग्रेशन पूछे जाते रिटन एज, सबसे पहले साइन देने की इंटीग्रेशन की अंदर अपने को ओनर चाहिए क्या चाहिए चाहिए और ओनर कौन होता है रेस्टो जर सम फॉर्म कराए तो मैं कशाला वेगा मानूस घे मैं तो ओनर डायरेक्टली सो मैंने इरेस्ट किसको लिया भाई माइनस एक्स को लिया यहां तक मेरे साथ अब मैं आपको बताता हूं यहां पे हमेशा होता है एक्स अब यहाँ पे इसकी कोई ये डी एक्स आपका फिक्स है अब आप देखो कैसे सर इसको सेट कर रहे छत के नीचे बैठा कौन है फाइव तो हमेशा ये जो छत के नीचे होते ये बड़े भाई बैठे हुए रहते हैं कौन बैठे हुए रहते हैं बड़े भाई इंटीग्रेशन इज अ फील्ड उस फील्ड पे मेहनत किसको करनी पड़ती है खाता पीता बड़ा भाई और मेहनत कौन करता है छोटा भाई करता है इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा एक्स रिस्टो हमेशा फोर आएगा, वापस बताता हूँ छत के नीचे हमेशा बड़ा भाई होता है आपको एक्स की पावर में अंडरस्टूड अब दुनिया का कोई भी आता मैं तुम्हारा एक समसा... अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा और आपको डरना है हा? डर डरो आप मेरे साथ झगड़ा ही नहीं करोगे पता नहीं कौन कहा कैसे अब तक तो किसी के साथ मुलाकात नहीं है कहा से रेंज अपन खुद डिसाइड करेंगे भाई जाने देना जीरो से लेकर इन्फिनिटी जो होगा सो होगा तो रेंज को अपन अब मुझे बताओ ये जीरो से लेके इन्फिनिटी और ईरस टू माइनस एक्स तक आप और सेम पेज पे है उसके साथ यहाँ पे एक्स होना चाहिए था एक्स है अंडरस्टूड बोलो बोलो हाँ वेरी गुड कौन होना चाहिए था भाई छोटा भाई क्या बोला है सर ने कितनी बार रिपीट कर तो तो है, है? फॉर्मूला सबसे पहले लिखने लगाती है और आप वहीं पे डर जाते हो क्योंकि एन पे एन एक नया प्लेयर आया एक्स ऑलरेडी है ई अलग है साथ में इंटीग्रेशन की सही ने तो डरा के रखा हुआ है डरने की कोई जरूरत है और एक बात सर एन वाले ऐसे कितने समय हार्डली खत्सम एग्जाम में आएगा सारे तो नंबर्स के समय तो आपने तो नंबर्स पे कितना अच्छा लगता है बड़ा भाई देख के पता चलता है छोटा भाई चल छोड़ मैं आपको उल्टा सिखाता हूं मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो सामने देखो सब लोग लेकिन ले लोग तत्पर का इकड़े हाँ आंसर एक मिनट लाइव वाले भी आंसर दे सकते हैं मेरे को गामा गामा? गामा दो ऑप्शन देता हूं दो चार नए दिनर दोनों ऑप्शन गामा सिक्स का गामा एट कशा नहीं कारण सांग हाँ शेल्टर के अंदर हमेशा बड़ा भाई होता है बघा या पूर्ण टॉपिक के दोनों प्लेयर्स हैं एक तो शेल्टर के अंदर बड़ा भाई होता है और ओनर कौन है तो ये माइनस टी अपने को किसी भी तरीके से दुनिया में लेके आना ही आना है बस दो ही चीजें और गामा फंक्शन जेब में

अच्छा लगा आपको अब इसके साथ ये प्लेयर तो आपको सिखाया गामा हाफ इज इक्वल टू कितना आया रूट पाई बेसिक्स क्लियर हो गया अब आप एक काम करो नोटबुक ओपन करो लिखो हेडिंग टाइटल डालो गामा फंक्शन अरे खूब मजा येते अजून एक बघा तुम्हाला मी आवडत नसेल ना तर बघायचं काय इतना बीलिए खत्म तो अपने को पता है कि अपने को माइनस दंडभेद करके लेके आने की है यस वैष्णव वेरी गुड देखो मजा आएगा आपको आपको क्या करना है मैं बताता दो आप टाइटल डायलॉग आमा फंक्शन ऐसा एक सिंबॉ दिखाओ उसके बाद इधर ये देखो आपके सर ने पहले से आपको बताया था बड़ा भाई मतलब आपको क्या करना है प्लस वन करना है छोटा भाई मतलब आपको जो भी है उसका जो भी है उसका माइनस वन करना है ये थीम मैंने आपको सिखाई थी आपको करना क्या मैं बताता दो इधर का कुछ मत करो ये देखो आपको करना है ये मैं बोलता हूं उतने ही फॉर्मुल लिखने के ज्यादा दिमाग मत लगाओ नंबर एक नंबर तीन चार पांच और छ देखो पांचवी लोगों को मैंने राउंड किया उतने ही करने हैं बचे हुए कुछ मत करो आई रिपीट नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि आपको पता चला है मैंने ट्रिक भी बताई आपको उसकी नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच और नंबर लीला है का तू लीला है ना हा गामा हाफ बहुत है ये गामा हाफ बहुत ऑलमोस्ट में लगता है गामा हाफ इज़ इक्वल टू रूट वो दिमाग में रखो इसमें इंटीग्रेशन का दिमाग ही नहीं चलता ज़्यादा इंटीग्रेशन लगता ही नहीं है ज़्यादा अपने को बस स्मार्टनेस लगेगा इसमें गामा फंक्शन टाइटल डाल के बड़ा भाई छोटा भाई वाला स्ट्रेटेजी और एक दो तीन चार पांच ये फॉर्मूला को लिख दो और चाहिए तो एक एग्जाम्पल में ये लिखो ये मतलब क्लियर ही हो जाएगा ना गामा टेन इज़ इक्वल टू नाइन फैक्टोरियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू नाइन डी एक्स लिखो 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 बोर नहीं होगा टेंशन मत लो आप लोग सही तरीके से लेके जा रहे हैं अपन डन देखो आते अपन सबसे पहले अपने सम के लिए जो कि बहुत बेसिक से आपके सर आपको सिखाएंगे प्लीज आप ध्यान देना इस सम के लिए जितना भी समय लगेगा मैं हूं आपके साथ पूरे समय के लिए सामने देखो सॉल्व लिखा है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी लिखा है यहां पे एक्स और ये रेस्ट वन बाय फोर है टेक्निकली और यहां पे ईट द पॉवर माइनस ऑफ क्या लिखा है दोस्त रूट एक्स लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है डी अब सबसे पहली जो क्वेरी रहती है बच्चों की वो ये रहती है सर हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सम इज ऑफ गामा और बीटा ये बहुत बारी लोगों का सवाल होता है थोड़ा पढ़ने के बाद आपको भी ये डाउट आना शुरू हो जाएगा मेरे को बताओ अभी अभी ओनरशिप की बात करी नहीं तो आपने इधर देखा है गामा फंक्शन किसके साथ प्यार करता है भाई ई रेस्टू माइनेस्टी और प्यार करने वालों की जोड़ी तो हम लोग किसी भी तरीके से उनको एक करने की कोशिश ही करेंगे तोड़ना रहेगा तुम्हें नहीं ना सो so, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है मुझे पता पता पे इंट्रोड्यूस हुआ एज एज इज इंट्रोड्यूस्ड हाथ ऊपर मेरे को पता चला ये गामा फंक्शन का समय पहला लॉट क्लियर हो गया अब ये देख के मुझे क्या पता चला अमचा सरण ने आमाला का शिकोले जैसे कि जो भी आपको दिया है तो आप उसको क्या करोगे लेट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी है ना इसको आप एक्सरेस टू ऐसे लिख सकते हो वन बाय फोर है ना ऐसे लिखते हैं इसको और साथ में आप इसको ई रेस्ट टू माइनस रूट एक्स और क्या करो डी इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर टिल दिस मैंने तो वही लिखा है बस अंडरस्टूड अब सर इतना आपने लिखा इसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ आप खुद भी खुश हो जाओगे सबसे पहले आपको मैंने बहुत अच्छे से थोड़ी देर पहले से मैं सिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है ओनर कौन आ है ई रेस्ट टू माइनस टी यहाँ पे कौन आया है ई रेस्ट टू माइनस और इेस टू माइनस मैच हुआ लेकिन टी लाना पड़ेगा तो किसको टी सब्सिट्यूट करोगे तो आपके रूटेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा टी भाई ये, मैं तीसरी बार सिखा रहा हूं आपको वही चीज आज तो रूटेक्स को आपने क्या सब्सिट्यूट किया रूट एक्स इक्वल टू कितना t तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना हुआ, दोस्त टी देखो ग्रीन कलर में कहीं भी डाउट होता है साइड एक्स इक्वल टू टी ऑफ बोथ साइड्स डरो नहीं

और एक सीक्रेट बताता हूं अब लेकिन ये किसी टीचर को नहीं बताना और बाकी आपके दोस्त को भी मत बताओ ऐसा एक बॉक्स कराएस हा बॉक्स पूर्ण पुणे यूनिवर्सिटी में मी कर हाँ तो जो पेपर चेक करता है उसको शायद पता चल जाता है कि ये पढ़ा कहां से है तो यहीं से है तो मैं बताता हूं क्या है यहां पे लिखना है आपको x और यहाँ पे क्या लिखना है दोस्त आपको डी आता मैं सामू दिस इज डमी टेबल क्या बोलते हैं उसको अब डमी क्यों ये बताता हूं एक मिनट आपने ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा तो इंटीग्रेशन के बाद रेंज क्या है सुनाई नहीं दिया क्या एक मिनट आपको सम दिख रहा है इंटीग्रेशन की रेंज क्या है इच्छा चेंज कर रहे कशाला करता। आया है हाथ में तो बोलो भाई जैसे एक जीरो से लेकर इंफिनिटी जा रहा है ले भाई टी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं अपना क्या जा रहा है अंडरस्टूड दिस सर आई नीड टू चेक दिस आउट कि सच में ऐसा होता है क्या कशाला कमी विषय तुम चा

t² 1/4 एम आई करेक्ट e एज इट इज माइनस एज इट इज इस √x की जगह पे हमारे सर ने बोला है t को ठोको अब मुझे बताओ यहां पे कौन है सुनाई नहीं दिया dx. तो dx का सब्स्टिट्यूशन है मेरे पास अरे आ है ना काय बाबा नो 2T. 2t dt बगा इतपर्यंत मिलिले किसी को कोई डाउट लाइव वालों आप भी मुझे बोल सकते हो अगर किसी को डाउट है तो वापस बता दो ये x का सब्स्टिट्यूशन कर दिए रूट एक्स का सब्सटीट्यूशन कर दिए और ये किसका सब्सिट्यूशन कर दिए? अब मैं हमेशा बोलता हूं मतलब मेरा ये सबसे फेवरेट वाला काम रहता है इंटीग्रेशन बदल का रिस्पेक्ट जब तुम्हारा इसमें जो भी आपको नंबर दिखते हैं टू दिखा पहला गाड़ी ने भी बाहर का टू ला, ला इसका मतलब है, अब मेरा इंटीग्रेशन दिखना शुरू हो गया टू बाहर अरे समझा उसके बाद जीरो से लेकर बाय टू हो गया तो ये मेरा क्या दिखना शुरू हो गया मैं बताता हूं। T one by two, am I correct. साथ में इधर एक टी है, का आये ना वो भी पे लिख दिया और खुशी की बात ओनर आ गया ना ना अभी आ गया ना? अब सर ये कैसे दिखेगा सर देखो सब कुछ खत्म हो गया समय खत्म हो गया आप खुद देखना अभी टू एज इट इज पांच मार्क्स भेट ले टू एज इट इज ध्यान देना ध्यान जीरो से लेके इंफिनिटी मेरे को पता है बहुत अच्छे हो ये क्या है ये क्या बेस क्या सेम तो आपको पता है अगर बेस सेम हो तो इंडेक्स ऐड होता है yeah. तो वन बाय टू में फक्त तुम्हारा आज पहला दिवस है दाखो दो वन बाय टू और वन क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा अरे कड़ला का बेस सेम है कि नहीं uh -huh. और यहाँ पे ई e रेस्ट एक काम कर दो पहले ओनर को लिख देता तो, देते अभी ओनर आई तो उसके पास अथॉरिटी आई ना और यहाँ पे टी रेस्ट टू क्या कर दू वन बाय टू और यहाँ पे क्या कर दू, दोस्त प्लस वन अरे समझा और यहाँ पे मैंने कर दिया डी मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ स्टेप की जरूरत ही नहीं है आप तो बहुत स्मार्ट हो आप कर सकते हो ये ये देखो इज आपको नहीं आता होगा तो मैं बताता अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाया। करो, यानी कि यहाँ पे पे कितना होगा, 3 by 2 और यहाँ पे क्या है आपका और आप किसी को मत बताओ आपका सम खत्म हो गया अब बोलोगे ऐसे कैसे खत्म हो गया इंटीग्रेशन तो निकाले माई नी इंटीग्रेशन की साइन है पावर माइनस वेरिएबल है To है। ऐसा अगर होगा तो क्या ये है, जो लिखा है? देखो। अरे है ना एग्जैक्ट से इसका, इसका, इसका बड़ा भाई गामा में लिखने का है तो आप तो इतने स्मार्ट हो ही हाँ लो बात हाँ मोटा भाई तो आपका आंसर आ गया टू गा

टू एज इट इज लिखा है गामा 5/2 में किसी का डाउट कुछ नहीं इसका बड़ा भाई लिखा है बस मैंने गामा में जो आपको पहले से डिस्कस था पांच मार्क्स मिल चुके ऑलरेडी कहां पे भी अपन फाइनल आंसर कर सकते हैं मैं बताता हूं जवाब दो जवाब दो जवाब दो जल्दी आ गया आ गया नो डाउट वेरी गुड और आने दो एक दो लोग का नाइस nice. चलो टू एज इट इज गामा एज इट इज और यहां पे मैंने लिखा है 5/2 अब देखना है आपको इसको किस तरीके से वर्कआउट करना है अरे इतना मजा आएगा ना और एक सर क्या मैं ये टू और टू कैंसिल करूं चुप ऐसे नहीं होता है ये गामा के अंदर है तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते अब देखो कैसे करना है टू आपके सर ने आपको थोड़ी देर पहले बहुत बोर किया था कैसे बोर किया था मैं बताता तो। उतारो इसको सबसे पहले ये कौन है फाइव बाई उसके बाद लिखो उसके बाद लिखो और एंड में एंड में क्या करो रूट पाए अब सर अब कैंसिल होगा क्या बिल्कुल फाइव जा फिफ्टीन और यहाँ पे आएगा आपका जो भी फोर जो भी होगा वो इनटू यहाँ पे क्या रहेगा रूट योर आंसर यू गेटिंग पॉइंट अब सर ये पे होना चाहिए क्या तो देखो भाई गामा by मैंने लिखा हुआ है। तो जो usual गलती, जो गलती मेरे से भी होती है, गामा तो सबसे पहले खुद के नंबर को लिखने की कोशिश करते हैं। पे ऑलरेडी बैठा हुआ है आप जब तो आप जब लोगे, तो इसका क्या लो? यू शुड स्टार्ट विद वॉट थ्री बाई टू वन बाई टू एंड देन रूट पाई मतलब मुझे ये आएगा क्या देखो क्या लिखा है आपको आप स्टोरी पता कैसे लेके जाना है ये क्या है भाई? उसकी जगह पे रूट पाइट ठोक दो यार बात खत्म अंडरस्टूड देख भाई इस सम को आप अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको पांच मार्ग देखेगा अब मुझे बताओ ऐसा क्या आपको अजीब सा काम करना पड़ा इसमें कुछ नहीं सिर्फ दिमाग अब ऐसे नहीं होता है सर आप आप समय देखते हैं कितना y, e है, पहली चीज दूसरी चीज हमें रूट वाई नहीं चाहिए हमें रूट वाई की जगह पे टी चाहिए तो पुट रूट वाइज इक्वल टू टी और रूट root... देखो सर क्या ये स्क्वायर करना जरूरी है ये जिसको लग रहा है उसको बताता हूं भाई चीजें आसान करने की कोशिश करो ताकि रूट में खेलने की जरूरत ना पड़े तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स स्कोयरिंग टी स्क्टी और टू टी टी और इसे कहते हैं डमी टेबल अब ऐसे कैसे ड्रॉ किया पता चला रेंज क्या है डू यू वॉन्ट टू डिस्टर्ब इट नो एब्सोल्युटली नॉट इसीलिए जैसा वैसा उसको चेप दिया अंडरस्टूड अब सर

तो फील्ड पे टू काम कर रहा है तो फाइनल आंसर में कौन होगा बड़ा भाई होगा तो योर आंसर इन दिस केस इज नथिंग बट व्हाट ये टू बाहर का और ये कौन है गामा थ्री अब देखो टू एज इट इज गामा थ्री को आप क्या लिख सकते हो टू फैक्टर मेरे को बताओ डोंट यू थिंक सो ये ओरली भी ट्रैक हो सकता था सब मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं लिख के लेने की इतना अच्छा समय ये सो राइट right? और एक बात ये कैसे रटू सर ये रटना ही नहीं है इट इज ऑल लॉजिक जो मैंने आपको सिखाया क्लियर हो सच्ची में समझ में आ रहा है तो सब नंबर वन और सब नंबर टू में किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं तो देखो भाई इस तरीके से कुछ हम लोग आगे लेके जाएंगे चीजों को तब जाके हमें ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी अंडरस्टूड राइट right? अच्छा दो चीजें मुझे बताओ स्पीड करेक्ट है लिंक में भी लग रहा है इसके ऊपर की समझ आए तो अपन मार्क्स लेके आ सकते हैं होल्ड करो मैं आपको ना एक हाथ पेपर दिखाता हूं एक हाथ मतलब आप ही के लाइफ का पेपर दिखाता हूँ पता चला है आपको मैं क्या बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं हाँ आपके लाइफ का है ना हाँ दिखा दो ना देखो तो सही मेरे पास जितना उतना तो दिखाई सकता है किधर हो ओ एबीसी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर टू दिखाई दे रहा है उसमें से प्यार से देखना इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा वाला सम हम्म कौन सा वाला सम हम्म गामा का होगा कैसे पता चला भाई स्मार्ट तो अब बन गए अच्छा चल छोड़ उसके बाद का एक और सवाल पूछता हूँ आई नो यू आर स्मार्ट इनफ टू आंसर मी

अंडरस्टूड दिस, राइट देखो भाई पूरा का पूरा सेशन आपको समझाए गया देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं पहले ही दिन आपको इस तरीके से धनाधन धनादन सारे के सारे, सारे समझ आपके ले लू आपको बेसिक अंदाजा आ गया हुँ? अब फिर ऐसे सिलेबस खत्म होने के लिए सिलेबस खत्म होने के लिए सबसे पहले लोग को आने में बताता हूं यूनिट नंबर फोर का है कर्व ट्रेसिंग जिसका पैरामेट्रिक और पोलर एक एक दिन का काम है कौन एक दिन का काम सिलेंडर एक दिन का काम तो ये चार लोग जो है वो चार टॉपिक तो चार दिन में खत्म कर सकते हैं इसका मतलब है सिलेबस पूरा का पूरा अपन जेब में रख के घूम सकते हैं आपको ज़्यादा डरने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी अंडरस्टूड पूरा समझ में आया है थीम क्लियर है आपको समझ में आया आपने नोटबुक में लिखा है बेसिक बेसिक तो इतना ही बेसिक जब आप वेनजे आओगे जो भी टाइमिंग रहेगा उसके पहले बस वो फॉर्मूला या फिर यहाँ पे पाँच मिनट पहले भी आए वेटिंग के यहाँ पे बैठे और एक बार फार्मूला देखा तो भी मोर देन इनफ है ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है एंड आपके जो चेहरे पे दिखाई दे रही है शिकंज टेंशन वरीज घर पे छोड़ के आओ मेरे को नहीं चाहिए इधर पे ये सीखने की जगह है यहाँ पे सीखेंगे आप आपका टेंशन इधर छोड़ के जाओगे तो मेरे को तकलीफ होगी तो रिलैक्स रहो यहाँ पे अपने को बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स लेके आने के इस हिसाब से अपन जाएंगे मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ रिगार्डिंग एम टू सारी स्ट्रेटेजी के साथ सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ हम लोग सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अंडरस्टूड दिस ओके ऑल रुकते अपन आज यहाँ पे होपफुली जितने सारे बच्चे लाइव कर रहे हैं उनको सब समझ में आया है